करके जां कल हो सकदा सरकार साडे नाल मीटिंग करे करके तो उहदे विच कोई ना कोई मसला हल हो जाए तो तुम अज बिल्कुल ट्रेन जी ना डको क्योंकि जो ट्रेन भी डकते हूँ जो अं हाईवे डकिया तो भी पब्लिक खराब हो रही है जो ट्रेन डकेंगे तो भी पब्लिक साड़ी वही खराब होनी है। बाकी जे कल सरकार ने साडे को नुमाइंदे सद लिया अपने को तो फिर उन्होंने चर वेट करा उन्होंने ट्रेन ना डकेंगे। पुलिस प्रशासन के भी हलचल बहुत तेजी के नाल वध गई सी कमांडोज बुला लिते गए थे कि लगता है कि कोई लाठीचार्ज का इन्हां दे वल्लों तैयारी सी जे पुलिस प्रशासन कहे कि अं धक्के ने इन्हों डक लेना जी चीज़ अं डकन दे आ गए ना जे अं मन बना लिया भी आह रोड डकना फिर अं डकना जे अं मन बना लिया भी अं और रेलवे ट्रैक डकना फिर पुलिस भाएं हज़ार लैन तो भाएं 10,000 लैन फिर साढ़े को बड़े बड़े ट्रैक्टर है ढाके पुलिस पर मारनी तो अं उत्ते चढ़ जाना ट्रैक तो आखिरी इतने बहवेंगे सड़क से फिर आवाज़ पहुँचूगी उन्होंने तक उन्हें साड़ी तो उन्हें चर आवाज़ नहीं सुनते। किसानी जथेबंदियां धनोवाली फाटक से धरना ला के बैठिया ने अज दूजा दिन है और सवेर दे वेले ये अनाउंस कर दिता गया सीगा कि 2:30 बजे जिहड़ा धनोवाली फाटक है उत्ते रेलां रोकिया जाणगियां पर कुछ ही समय पहला ये अनाउंस कर दिता गया हुण दुबारा कि एक दिन का होर समा जिहड़ा दिता जांदा प्रशासन नूं सरकार नूं की पता कोई फैसला इन्हां दे हक दे विच आ जाए। चंडीगढ़ दे विच मीटिंग चल रही सी 32 जथेबंदियां दी उत्थे की फैसला होया गलबात करदिया मेरे नाल इस वक्त किसानी आगू राजू औलख जी मौजूद ने गलबात करदिया की फैसला होया 32 जथेबंदियां तुहाडियां जिहड़ियां चंडीगढ़ दे विच सवेर तो लगातार मीटिंग उन्हां दी चल रही है। वेखो जे जिहड़ियां मीटिंग दा असली सिट्टा निकलना उह तां नहीं पूरा निकलिया उन्हां दा मैनूं मैसेज आया मैं कहा भी 2:30 बजे आपां ट्रेन डकनी आ उन्हां दा मैसेज आया भी नहीं अज ट्रेन नहीं डकनी अज दा दिन ट्रेन जिहड़ी उहनूं पोस्टपोन कर दो ते शाम तक वेट करो भी सरकार की जिहड़ी मीटिंग सरकार दी भी होण डई आ तुहानूं की सददी आ कि जां की पॉजिटिव साडे वास्ते कढ़दी आ कि जां कल हो सकदा सरकार साडे नाल मीटिंग करे करके तो उहदे विच कोई ना कोई मसला हल हो जाए तो तुसीं अज बिल्कुल ट्रेन जिहड़ी उह ना डको क्योंकि जो ट्रेन भी डकते हुण जे असीं हाईवे डकिया तो भी पब्लिक खराब होण डई आ जे ट्रेन डकांगे तो भी पब्लिक साडी उह ही खराब होनी आ इस करके उहनूं ध्यान च रख के थोड़ा जिहा ये डिले किया अज दा दिन। बाकी जे कल सरकार ने साडे को नुमाइंदे सद लिया अपने को तो फिर उन्हें चर वेट करा उन्हें चर ट्रेन ना डकेंगे भी उतों सरकार के जेडे नुमाइंदे गए वो की सिट्टा कढ़ के लिया साडा ये धरने का फैसला हो जाता ज नहीं हों जे नहीं होगा तो फिर आन के जितने बजे भी उतों आवाज़ पई 2:30 बजे जिन्ने बजे भी उन्ने बजे भी नाल रेलवे ट्रैक भी डकेंगे तो आ जरा माड़ा मोटा चलन की सर्विस रोड ये भी सब कुछ बंद कर देंगे। किसान जिहड़ी उत्थे सरकार दी मीटिंग चल रही है उस दे विच अज किसी भी किसाने आगू नूं नहीं बुलाया गया सीगा बुलावा किसी भी नहीं किसी नूं नहीं सीगा नहीं कोई भी किसान आगू नहीं अज गया अज इन्हां दी जिहड़ी मीटिंग आ उह हैगी आ केन दे डिपार्टमेंट नाल ते जां जिहड़े मिलां दे मालक आ दो चार वह जिहड़ी इन्हां ने एक कमेटी बनाई आ केन डिपार्टमेंट दी केन कमिश्नर हो गया मिलां वाले मालक हो गए कुछ नाल विचों लए इन्हां ने कोऑपरेट वाले जिहड़े उन्हां दी जो होंदी आ मीटिंग ते मेरा ख्याल कहिंदा अजे तक कोई सिट्टा नहीं बाहर निकल के आ नहीं तो उत्थे हुण नूं जे बाहर कोई गल होंदी लाइव चल जाणी बड़ा कुछ होणा सी भी अजे तक कोई भी गल बाहर नहीं आई भी सरकार ने की पॉजिटिव रुख किया भी किन की रेट दिता की मुआवजा दिता कुछ नहीं अजे तक आया बिच बाहर। अच्छा जो इतने अनाउंस किया गया सीगा कि 2:30 बजे रेल रोकनी है तो पुलिस प्रशासन के भी हलचल बहुत तेजी के नाल वध गई सी कमांडोज बुला लिते गए थे कि लगता है कि कोई लाठीचार्ज तो इन्हां दे वल्लों तैयारी सीगी। देखो वो जो मर्जी कर लो पुलिस प्रशासन का सानू कोई डर नहीं गा क्योंकि जो लाठीचार्ज करने के अहम भी कड़े उदा ही बैठे हाँ वो बराबर ही हूँ सू लाठीचार्ज की नहीं कोई गल वो साड़िया जथेबंदियों का अपना फैसला जे पुलिस प्रशासन कहे कि अं धक्के ने इन्हों डक लेना जी चीज़ अं डकन दे आ गए ना जे अं मन बना लिया भी आह रोड डकना फिर अं डकना जे अं मन बना लिया भी अं और रेलवे ट्रैक डकना फिर पुलिस भाएं 1,000 लैन तो भाएं 10,000 लैन फिर साढ़े को बड़े बड़े ट्रैक्टर है ढाके पुलिस पर मारनी है तो अं उ चढ़ जाना ट्रैकों से यह नहीं कोई गल हैगी वो जिनी मर्जी हरकत तुरे रहन वो साडे अपने जिहड़े आ फैसले आ 32 किसान जथेबंदियां पे नहीं अज नहीं डकना कल नूं सरकार दा नहीं कोई पॉजिटिव रुख आउंदा ते देखो इह रेलवे ट्रैक डकांगे ते पुलिस नूं पहलों कहिंदे सी भी आ जाओ तुसीं डकण वास्ते अहीं डकांगे फिर। अच्छा 380 रुपए रेट पहला गन्ने का चल रहा है तो हूँ 450 की थोड़ी जी मंग है सरकार 450 तो थले या 380 तो उपर हाले तक भी कोई रेट देने को तैयार नहीं है। देखो अजे तक तो कोई ऐलान नहीं किया 2-3 महीने तो अं इन्हों मंग पत्र भी दे
मुआवजे बारे भी तो रेट बारे भी तो मिलों चला बारे भी अजे तक इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। तो बाकी जड़ा अं चाहते हैं रेट भी 400+ हो अं ये नहीं भी पक्का ही 450 के मोहर ला के बैठे हाँ अं कहने 400+ होना चाहिए रेट क्योंकि खर्चा बहुत आ जे यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कटते हैं ना जो 2 साल पहले क्ढ़ी अं तो 470 रुपया ही लागत मुल्लों घट रेट से अं फसल वेचन डे हैं कोई वाधू चीज़ तो नहीं मंगते ही सरकार ने यह गल सोचनी चाहिए है भी जे लागत वह मुल 470 रुपये बनता क्वंटल का तो बंदे तो मंगन डे 450 450 तो जो 10-15 घट देते भी मान जाना उन्होंने पता इन्हों भी जो बह के आई गल पर सरकार की पॉलिसी जी है गलत आ इदा रोडा से बाल के बंद खराब करके फिर मीटिंग सदनी अज मीटिंग सदी यो मीटिंग 15 दिन पहलों सदी होंगी केन की वो कोई गल सू निकलती पता लगता भी निकलती है कि नहीं निकलती तो पता हूँ अज उन्होंने सदी पता नहीं हूँ की निकलना मुड़ के कल परसों साड़ी मीटिंग सदन के जो 2-3 दिन इतने अं बैठे रहे फिर उन्होंने मन हो जाना भी चलो सदो हाँ भला की गल करते तो यो जो जोर जम जोर अजमाई पहलों जो करवानी आ इधरों जो अं मंग पत्र दे के आने सरकार को सरकार के बंदे जां डीसी साहब नूं दिंदे उदों सानूं बुला लैना चाहिए भी आओ बह के गल कर लीए भी मिलना भी चलाउणियां ही आ क्योंकि फसल तो तैयार आ जे गन्ने का रेट भी हर साल जिहड़ा उह लॉन्स होना ही आ कोई भी फसल उहदा हर साल नवां रेट हुंदा पुराना तो चलता नहीं गा भी 10 साल इक्को चला लो इहो जी गल तो होनी नहीं जो सानूं पता हर साल ये काम करना तो फिर अं रौला रप्पा पा के क्यों करवाना यह गलत नीति है ये नीति नहीं होनी चाहिए ये पहलों आ रोड जे रोड से हुण अं खराब होंगे अं भी खराब होंगे नाल पब्लिक खराब होंगी तो ये काम नहीं करना चाहिए सरकार की जिम्मेवारी जिहड़े आम लोग ने ट्रैवल करने वाले लोग ने जिहड़े खराब हो रहे ने आ जाने दिक्कत हो रही है उन्होंने वो तो यह कह रहे हैं भी किसानों नूं जाके सीधी सरकार नाल गल करनी चाहिए भी इत्थे सानूं भी खज्जल करते हैं आप ही खज्जल हो रहे हैं। देखो बहुत वधिया गल की उन्होंने अं सब तो पहलों डीसी नूं मंग पत्र दिते फिर MLA ने घर घेरे MLA नूं मंग पत्र दिते भी जाओ सरकार नाल गल करो फिर अं मंत्रियों नूं 3-3 दिन मंत्रियों ने घर बैठे फिर भी साडी गल नहीं मनी अखीर ते आए अं ये नहीं अं पेंदे आ गए जो अं मंत्रियों तक सारे के घर 3-3 2-2 3-3 दिन ला ले मंग पत्र दे थक गए सानू सरकार ने बुलाया तक नहीं घट्टो घट अं इन मंग पत्र दिते आ बह के गल तो कर लो भी अं की चाहते सानू बुलाया तक नहीं फिर अं की करिए कसूर आ जड़ा वा ना रोडों के जोड़े लोग पब्लिक खराब हो रही आ यह सारा सरकार का कसूर आ साडा नहीं कोई कसूर क्योंकि अं छे एक बंदा एक चीज़ में 6 महीने लैके तुरे अं तो 6 महीने का अं कहने जाते अं कहीं बुलाया ना हो डीसी जोड़े इन्होंने नुमाइंदे सरकार के उन्होंने मंग पत्र दिते 3-3 4-4 वारी फिर इन्हों के MLA जोड़े बने लोगों ने चुने साढ़े तो उन्होंने 3 MLA उन्होंने कड़ी धरने ला के ना उन्होंने बूहे कड़ी 8-8 घंटे तो उन्होंने मंग पत्र दिते तो उन्होंने कोई असर नहीं आया फिर इन्होंने मंत्री जोड़े बने पंजाब जिन्ने मंत्री है उन्होंने घर कड़ी 3-3 दिन बह के मंग पत्र दिते फिर भी कोई गल नहीं हुई फिर हम दसो जो सू फिर भी कहीं ने नहीं बुलाया तो फिर की करिए अं फिर आखिरी इतने बवेंगे सड़क से फिर आवाज़ पहुँचूगी उन्होंने तक उन्हें साड़ी तो उन्हें चर आवाज़ नहीं सुनते आम लोगों को अपील करना चाहते हो कि आके थोड़ा साथ देने इतने बिल्कुल आम लोगों को अपील आ कि किसान की जी फसल आ पुत्तां वांगू पाली है पुत्तां वांगू पाली फसल कुछ तो साड़ी फसल मर गई है कुछ साड़ी तैयार होकर जी खड़ी आ अं उन्हूं वेचण वास्ते रौला पाउंदे भी साड़ी फसल लो सरकार की जिम्मेवारी आ अं आम पब्लिक नूं इह कहिंदे भी साडा साथ दो जो तीस साडा साथ दो कि सारे आओ रोडा से बहीए सारे जने तो ये सरकार के कन्न खोलीए भी ये अं कसूरवंद नहीं गए कसूर सरकार है मंद वा क्योंकि अं तो जहाँ तो जहाँ किसी को सरकार को दस्या ही ना हो चुप करके आ बह जाइए 6 महीने से अं रौले पाउन डे कोठे चढ़ चढ़ रौला पाउन डे PC करन डे ताडे राय माध्यम राही करन डे तो DC राही करन डे तो फिर भी सरकार साडी गल ना सुने फिर की कर सकता अटको हूँ आखिरी हल यही आ भी इतने रोड से बैठे हाँ जो सा फैसला कर दोगे घर में चल जाएंगे ना करो कि हफ्ता 10 दिन इतने बैठे रहेंगे क्योंकि साढ़े वो गल तो है नहीं जो अं 13 महीने दिल्ली बह सकते हैं तो इतने पंजाब 10-15 दिन बहना सूँ कोई एडा औखा नहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद जी। सो ये मेरे नाल सीगे इस वक्त किसानी आगू राजू औलक जी जिन्हां ने दस्या भी मीटिंग दे विच की गलबात चल रही है उत्थे जिहड़ी सरकार दे वल्लों मीटिंग चल रही है उस दे विच किसी भी किसानी आगू नूं किसी भी किसानी जथेबंदी नूं सद्दा नहीं सीगा पर इत्थे जलंधर दे विच जिहड़ा धनवाली फाटक दे उपर जलंधर लुधियाणा हाईवे है दूजा दिन है अज जिहड़ा धरना उसे तरीके दे नाल जारी है तस्वीरां तुहानूं इस वेले कुछ दिखावांगे किसानां दे विच जिहड़ा जोश है जिहड़ा अपने हक्कां दे लई लड़ रहे ने अज भी उस तरह किसान सड़कां ते मौजूद ने दूजा दिन है अज धरने दा जिहड़े बुलारे ने ओह भी इत्थे बोल रहे ने प्रधानमंत्री दे हाथ जुड़ा के वापस आए सी सो पंजाब सरकार भी
उस चीज की हकदार है जिसने किसानों नाल वादा खिलाफी की है। उन्होंने ये समझ लेना चाहिए सी, सोचना चाहिए सी कि प्रधानमंत्री तक माफी मांगे तो एक स्टेट की सरकार है जी केंद्र की सरकार नाल वड्डी नहीं होंगी। इस करके ये सरकार जी है अपने ये तस्वीरां जिहड़ियां ने इस वक्त किसानी धरने तो दूजे दिन दियां ने कि किवें जोश किसानां दे विच वी है, लोग जिहड़े इन्हां दा साथ देण दे लई सड़कां ते उतरे ने और निरंतर जिहड़ी लंगर दी सेवा इत्थे दिन रात चल रही है, चाह दा जिहड़ा लंगर है वह भी चल रहा है, इन्हां दे वल्लों लोग पूरा साथ दे रहे ने। प्रशासन इत्थे पहुंचिया होया है कि किसी भी तरीके दा इत्थे माहौल खराब ना किया जाए किसी भी वालों, सो इस चीज़ का खास जिहड़ा ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली दे विच जिवें एक बार किसानी संघर्ष होया सीगा और ये उस तरीके दियां जिहड़ियां तस्वीरां जलंधर दे विच ने तुहानू वाली फाटक ते जिहड़ा लगातार दूजा दिन है इस वेले तुसीं देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल सेवा इत्थे चल रही है, निरंतर जल की सेवा है, लंगर की सेवा, चाह की सेवा चल रही है और ये तस्वीर ने इस वक्त जेकर किसानी आगुआ का हाले भी यही कहना है कि जेकर हाले भी सरकार कोई फैसला नहीं लेंदी तो जिहड़ा धनवाली फाटक है या होर भी जिहड़े फाटक ने रेलां रोकिया जाणगियां तो फिर धरना निरंतर इस तरीके दे नाल चलता रहेगा। इस धरने तो होर तस्वीर तुहाडे नाल जल्दी सांझियां करांगे। मैं शगुन बब्बर कैमरामैन विजय दे नाल पंजाबी नैशनल टीवी जलंधर।